मनी लॉन्ड्रिंग केस च तिहाड़ जेल च बंद दिल्ली के मंत्री सतेंद्र जैन की एक होर वीडियो सामने आई है। इस वीडियो च सतेंद्र जैन की बैरक च तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट के होने का दावा किया गया। कुछ दिन पहला सतेंद्र जैन की जेल अंदर मसाज लैन दस्वीर भी सामने आई सन, जिससे भी खूब विवाद गरमाया। हूं एक होर वीडियो सामने आने तो बाद सियासत मुड़ गरमा गई है। बीजेपी इल्जाम ला रही है कि सतेंद्र जैन जेल अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिता जा रहा है। मसाज वाली वीडियो सामने आने तो बाद आम आदमी पार्टी ने तर्क दिता कि सतेंद्र जैन की सेहत कारण कोर्ट के हुक्म से उन्होंने मसाज दी गई है। हुण सतेंद्र जैन की बैरक च तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट की वीडियो सामने आने तो बाद बीजेपी ने मुड़ तो सवाल उठाए ने। ये सतेंद्र जैन की ये जेल की वीडियो, जिसके अंदर वो जेलर अजीत कुमार उनको आके रिपोर्ट कर रहा है जेल में। अजीत कुमार सतेंद्र जैन अपने बेड पर बैठे हुए हैं और अजीत कुमार कुर्सी खींचकर ऐसे बैठ रहा है जैसे कि वो मुजरिम हो और सतेंद्र जैन जेलर हो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सतेंद्र जैन ने जो करोड़ों रुपया दिल्ली से करप्शन का इकट्ठा किया, जिस भ्रष्टाचार के वो जेल में है, वो पैसा अरविंद केजरीवाल के पास भी गया है। मुजरिम खाली सतेंद्र जैन नहीं, उतने बड़े मुजरिम अरविंद केजरीवाल भी हैं। मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया कि सतेंद्र जैन की धर्मपत्नी अरविंद केजरीवाल को धमकी दे चुकी हैं कि अगर तुमने सतेंद्र जैन को हटाने की कोशिश की तो हम सारे राज पैसे जितने दिए हैं वो जनता कर देंगे। इस डर से अरविंद केजरीवाल देश के भ्रष्ट मंत्री को जेल में भी मंत्री बनाए हुए।